गुड मॉर्निंग क्लास, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं CMED में कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निर्माण स्थल प्रबंधन। इसमें है आपकी टॉपिक साइट ऑर्गेनाइजेशन, स्थल प्रबंधन। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को या किसी भी परियोजना को करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो लोगों के समूह हो या एक टोली हो, कोई ग्रुप हो, हाँ किसी टोली या किसी ग्रुप के रूप में काम करने को जो है संगठन कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो साइट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। साइट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्माण स्थल पर समुचित व्यवस्था करना तथा निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों का सुचारू ढंग से संचालन बनाए रखना स्थल प्रबंधन कहलाता है। यानी जो भी आप कार्य शुरू कर रहे हैं उसको शुरू करने के लिए जो समुचित व्यवस्था करना, ठीक है, निर्माण सामग्री तथा श्रमिकों का व्यवस्था करना जो है आपका स्थल प्रबंधन कहलाता है, साइट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। साइट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित प्लानों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका हुआ साइट प्लान, उसके बाद हुआ आपका बिल्डिंग वर्क्स प्लान, सर्विस प्लान, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क्स, स्थल प्लान हुआ, भवन वर्क्स विस्तृत प्लान हुआ, तीसरा आपका है सर्विस प्लान हुआ, चौथा आपका है निर्माण विशिष्टियाँ हुई। ये सारी जो हैं साइट ऑर्गेनाइजेशन के प्लान हैं। ठीक है, आगे है आपका टॉपिक जॉब लेआउट, जॉब विन्यास। किसी भी निर्माण की परियोजना पे या किसी निर्माण स्थल पे जब एक कैंप के रूप में आप संपन्न करते हैं तो जो जिसमें निर्माण के विभिन्न गतिविधियों के लिए जो उपयुक्त स्थल निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो जो निर्माण स्थल पर कैंप के स्थापन का कार्य ही जो है जॉब विन्यास कहलाता है। यानी जो भी आप निर्माण स्थल पर कैंप को संपन्न करते हैं उसकी गतिविधि को ही उपयुक्त स्थल पर निर्धारित कर दिए जाते हैं, वही निर्धारण जो है आपका जॉब विन्यास कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ जॉब लेआउट, जॉब विन्यास के सिद्धांत। जॉब विन्यास के सिद्धांत जो है निम्नलिखित होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्थल घेरा, दूसरा आपका है सामग्री भंडार, तीसरा आपका है मुक्त प्रचलन, चौथा आपका है भंडार शेड, पांचवा आपका है वाहन पहुंच, छठा आपका है प्रवेश या निकास नियंत्रण, नेक्स्ट है सुविधाएं और नेक्स्ट है सामान्य सुरक्षा। ये आपके जो प्रिंसिपल ऑफ जॉब लेआउट हैं, यानी जॉब विन्यास के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं पहला स्थल घेरा। स्थल घेरा क्या है? किसी भी निर्माण या निर्माण सामग्री हुआ या वाहन हुआ या उपकरण या कोई यंत्र मशीनरी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मौके पर आप पर्याप्त स्थान घेरना चाहिए, जो आपका स्थान घेरा कहलाता है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए जिस भी साइट पे आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, प्रबंधन संगठन कर रहे हो उसका, तो उसके लिए जो है स्थल की घेराबंदी करना, तो उसकी निर्माण की सामग्री, वाहन हुआ, उपकरण हुआ, यंत्र हुआ, मशीनरी हुआ, इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है आप उस मौके पर उस स्थान की घेराबंदी या नाकाबंदी करेंगे। ये आपका स्थल घेरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामग्री भंडार। सामग्री भंडार में क्या है? जैसे कि आपका निर्माण सामग्री के भंडार जो है निर्माण स्थल के निकट होने चाहिए। जो भी आपकी सामग्री है, चाहे वो उपकरण हुआ, यंत्र हुआ, मशीनरी हुआ, जो भी हुआ, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड हो, गिट्टी हो, बालू हो, छड़ हो, इत्यादि चीज़ें जो भी आपके निर्माण स्थल के निकट होने चाहिए,
इससे क्या होता है, जो कि निर्माण स्थल के निकट होगा तो आपके जो श्रमिक हैं उनको अधिक वर्क नहीं करना होगा, उनकी समय बचेगी, उनकी जो है समय की बचत होगी, ठीक है, उन्हें अधिक दूर से सामानों को की ढुलाई नहीं करनी पड़ेगी, इत्यादि चीज़ों से जो है छुटकारा मिलेगा। इसलिए जो है सामग्री भंडारण को ही निर्माण स्थल के पास में ही बनाना चाहिए। उसके बाद है आपका मुक्त प्रचलन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुक्त प्रचलन। इसमें जो है सामग्री के ढेर इस प्रकार लगाने चाहिए ताकि श्रमिकों के जो मतलब प्रचलन है तथा मशीनों के कार्य हैं कोई भी अड़चन ना आए। जो भी आप ढेर लगा रहे हो सामग्री के, जो भी आपके सामग्री हैं उसके जो ढेर आप लगा रहे हो उसको जो है इस प्रकार लगाएं ताकि जो है किसी भी कार्य में रुकावट ना आए, कोई भी किसी प्रकार का अड़चन ना हो, ठीक है, ये आपका जो है मुक्त प्रचलन है। नेक्स्ट है आपका भंडार शेड। भंडार शेड आइए देखते हैं क्या है। जो भी निर्माण सामग्री खुले में स्टोर करने पर नष्ट होने वाली हैं, जैसे कि आपका सीमेंट हुआ, सीमेंट आप खुले में रख दोगे वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें बारिश वगैरह पड़ेगी, नमी आएगी, वो ऑटोमेटिक जम जाएगा, उसमें जो है जमा हो जाएंगी। आपका पेंट हुआ हवा लगने पे ख़राब हो सकता है, चूना हुआ, वो सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है। तो इसके लिए जो है आप खुले में ना रखें जिससे कि वो नष्ट होने से उसे बचाएं। भंडारण शेड हुआ आपका। उसके बाद है आपका वाहन पहुंच। जो भी है जैसे जिस भी साइड पे आप वर्क करा रहे हो, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया हो, किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, होना क्या चाहिए कि जो है वाहन की पहुँचने के लिए अच्छा खासा रास्ता उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि जो आप ट्रक से भरे सामान हो, चाहे वो ट्रैक्टर, चाहे किसी भी वाहन से आप उस सामान को मंगा रहे हो, तो वो जो है आपके निर्माण स्थल तक यानी आपके साइट पर आसानी से पहुंच सके, उसे कोई भी बाधा ना आए, कोई भी रुकावट ना आए वाहन के पहुंचने में। अगर आप उसको दूर गिराते हो या फिर अपने वाहन को जो है वाहन जाने का रास्ता साइड पे ना हो, तो उससे होता क्या है कि आप ही को मतलब प्रॉब्लम होगी। आप या तो अलग से श्रमिक लगवा करके आप उसको कराओगे, यानी कि जो है निर्माण स्थल पे जो भी आप गिरवाते हो, चाहे वो जो भी सामग्री हो आपकी, तो उसे अलग से श्रमिक लगवा के आप उसको ढुआओगे। तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि ये पूर्ण ध्यान दो कि निर्माण स्थल पे जो है आपका आसानी से रास्ता उपलब्ध रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो है प्रवेश निकास नियंत्रण। जो भी निर्माण स्थल पर मटेरियल की सुरक्षा है, सुरक्षा का संतोषजनक प्रबंध होना चाहिए। प्रवेश या निकास द्वारा प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जो भी आप प्रवेश के लिए भी जो है आप नियंत्रण रखो और निकास के लिए भी, ठीक है, आपका जो स्थल पर मटेरियल क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उस वो सही है या नहीं है, इन सब चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपके नेक्स्ट है सुविधाएँ। सुविधाएँ इसमें जो है निर्माण स्थल पर पानी, बिजली, प्राथमिक चिकित्सक या अन्य आवश्यकताओं की सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वो निर्माण स्थल आपका जब जो जहाँ भी हो, जो भी साइट जिस जगह पे हो, उस जगह पे जो है आपके श्रमिक हों, निवास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपका पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे बिजली होनी चाहिए। अगर बाई द वे उस साइट पे वर्क के दौरान किसी को चोट आती है, हाँ, तो थोड़ी बहुत जो है वहाँ पे उनका चिकित्सक देखभाल हो सके, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सामान्य सुरक्षा। निर्माण स्थल का प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि सभी कर्मियों तथा आगंतुकों की सुरक्षा बनी रहे। जैसे कि जो है सामान्य सुरक्षा हुआ आपका, जैसे कि आप उस साइड पे वर्क करा रहे हो, वहाँ के जो श्रमिक हैं वो वहीं रह रहे हैं, तो उस जगह की घेराबंदी करा दो आप, ताकि आसपास जो जानवर हैं या फिर ऐसे कुछ कीड़े मकौड़े जो भी चीज़ें उनसे उनका बचाव रहे, खुद को वो सेफ रख सकें, ये सारी चीज़ों से जो है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, निर्माण स्थल पर ऐसा प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक
जाव विन्यास को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जॉब लेआउट, ठीक है, जॉब विन्यास को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें क्या है, जैसे कि जॉब विन्यास के लिए जो है सर्वप्रथम निर्माण स्थल के चारों ओर घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि देख लीजिए, घेराबंदी करने के लिए कटीले तार जो आते हैं उनकी बाड़ लगा करके आप घेराबंदी कर सकते हो, ठीक है, उससे आप नहीं कर रहे हो। हाँ, या फिर आपका साइट जो है काफ़ी बड़ा है, आप जस्ती लोहे की चादरें जो होती हैं उनका पर्दा बनाया जा सकता है, उन्हें लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है तो आप पत्थर वगैरह पट्टिये वगैरह गाड़ करके उन्हें परिसर को चिन्हित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं जॉब विन्यास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक है। इसमें जो है आप उसकी घेराबंदी कर सकते हो सुविधा अनुसार, जो है कटीलों तारों के अनुसार, जस्ती लोहे चादरों के अनुसार, पत्थर पट्टियों के अनुसार जो है आप उस स्थान का, उस स्थल का जो है घेराबंदी करा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं जाव विन्यास को, जाव विन्यास कार्य को निम्नलिखित बातें प्रभावित करती हैं, ठीक है। पहला है आपका परियोजना का प्रकार, परियोजना का प्रकार है। इसमें जो है आपका भवन हुआ, बांध हुआ, पुल हुआ, सुरंग हुआ, जल सेतु इत्यादि चीज़ें हैं जो भी आपकी परियोजना के प्रकार हैं। ये भवन का हुआ, जैसे आपका बांध हुआ, पुल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। परियोजना स्थल की स्थिति हुई, पहाड़ी मैदाने जैसे हुई, या फिर जंगल हुआ, आबादी क्षेत्र हुआ, या नदी तल हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हुई परियोजना स्थल की स्थिति में। श्रमिकों की उपलब्धता है, इसमें क्या हुआ, स्थानीय हुआ अथवा बाहरी हुआ, यानी कि जो श्रमिक की उपलब्धता, यानी जो श्रमिक हैं, चाहे वो उस साइड के आसपास के ही हो, चाहे आप उसे बाहर से मंगाए हुए, यानी स्थानीय हो अथवा बाहरी श्रमिक हो, चाहे तो आप अपने साइड वर्क के आसपास के ही लोगों को यूज करो श्रमिक के रूप में, उन्हें काम दे सको, या आसपास नहीं मिलते हैं तो आप बाहर से भी श्रमिक मंगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका सामग्री तथा मशीनों के प्रकार व संख्या, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रमिक सुविधाएं, ये जो हैं आपके जॉब विन्यास को प्रभावित करने वाले तत्व हुए। उसके बाद है आपका निर्माण सामग्री का कार्यस्थल पर संग्रहण एवं हस्तन, ठीक है। निर्माण सामग्री का कार्यस्थल पर संग्रहण एवं हस्तन, स्टोरिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल एट साइट, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या है, जैसे किसी भी जो आप निर्माण सामग्री के कार्यस्थल पर उचित बिंदुओं का ढेर करना आवश्यक है, जिसके लिए जो है आपकी न्यूनतम निर्माण स्थल चाहे घेरे हुए, इसके अनावश्यक हस्तन से बचा जा सकता है। जो आप घेराबंदी कर दोगे तो आप सारी चीज़ों से सेफ रहोगे, ठीक है। विभिन्न निर्माण सामग्री रखने के लिए जाप विन्यास के अलग अलग स्थान निर्धारित कर दिए जाते हैं, जैसे कि हुआ आपका इसको जो है स्टोर करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देनी चाहिए। आपका पहला टॉपिक है, जैसे ध्यान देने योग्य बातें हैं, न्यूनतम स्थान, निर्माण सामग्री को उचित स्थलों पर इस प्रकार संग्रह करना चाहिए कि यह जो निर्माण क्षेत्र है कम से कम भाग घेरे और निर्माण कार्य में कोई विघ्न न डालें, ठीक है। जो भी आप जैसे कि न्यूनतम स्थान घेर, जो भी निर्माण सामग्री है उस स्थल पर जो भी आप इकट्ठा करना चाहते हो, तो वो जो क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र है, वो कम से कम स्थान घेरे, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी कार्य में बाधा न पहुँचे। साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ ही निर्माण सामग्री भी की भी सुरक्षा बनी रहती है। हाँ, अगर कम स्थान रहेगा, न्यूनतम स्थान रहेगा, उसकी आप आसानी से देखरेख कर सकते हो, उसकी आप घेराबंदी कर सकते हो, उस पर जो है हमेशा अपने ध्यान आकर्षित किए रह सकते हो, जिससे कि जो है निर्माण सामग्री की सुरक्षा बनी रह सकती है। अगला है आपका धूप वर्षा से बचाव, धूप वर्षा से बचाव है।
जो भी निर्माण सामग्री हैं आपको धूप से बचा सकते हो, वर्षा से बचा सकते हो, नमी से बचा सकते हो, आंधी तूफान कि किसी इत्यादि चीज़ों से आप बचा सकते हो, ठीक है। जो सामग्री खुले में ढेर करके नष्ट करके बेकार हो सकती हैं, अगर आप उसे खुले में रख रहे हो, उसे इकट्ठा कर रहे हो, तो जो है वो धूप से आप उसे नहीं बचा सकते, वर्षा नमी आंधी ये सारी चीज़ों से जो है नहीं बचा सकते हो। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए उसे सेफ रखें आप। नेक्स्ट है आपका कार्यस्थल के लिए, कार्यस्थल के निकट जो भी आपकी सामग्री है, सामग्री को खपत करने वाली जो जगह के आसपास पास ही संग्रह करना चाहिए, जिससे कि दूर की सामग्री को ढोने के लिए श्रम अधिक लगता है, समय भी अधिक नष्ट होता है। आपका जो भी साइट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप जिस भी साइट पे आप वर्क करा रहे हो, पूरी कोशिश यही रहती है कि जो उस साइट का जो आप सामग्री मंगा रहे हो वो उस साइट के पास में ही मंगाओ, ताकि जो है आपके ढोने की श्रम के भी लागत कम लगे और आपका समय भी नष्ट ना हो, ठीक है। कम समय में ज़्यादा वर्क किया जा सके, इसलिए जो है कार्य के स्थल के निकट जो है सामग्री की खपत की जाती है या संग्रह यानी इकट्ठा किया जाना चाहिए या किया जाता है। नेक्स्ट है आपका खाइयों से दूर, खाइयों से दूर। हाँ, किसी भी निर्माण सामग्री को नींव की खाइयों तथा अन्य गड्ढों से पर्याप्त दूरी पर ढेर करना चाहिए, ताकि जो है यह फैल करके नींव को न पाट दे अथवा अन्य प्रकार की प्रचलन बाधा न डाले। जैसे कि आपका हुआ जो भी आप, जैसे कि आप फाउंडेशन के लिए आप तैयार किए हो, हाँ, नींव की खुदाई के लिए आप मिट्टी निकाले हो, तो आप सामग्री जो है वहीं पे रख दो, उसी के आसपास रख दो, तो जो है आपका जो ढेर है वो क्या पता कि उसी नींव में जाके पट जाए, तो उससे जो है आपके कार्य में बाधा आएगी, ठीक है। आपको फिर से वही प्रक्रम शुरू करना पड़ेगा, फिर से जो है प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है आपका निर्माण सामग्री जो है वो खाइयों से दूर हो। नेक्स्ट है आपका आग से दूर रखना चाहिए, आग से दूर। जिस सामग्री के लिए, जिस सामग्री के अग्नि से नष्ट होने की संभावना हो, जैसे कि आपका हुआ लकड़ी हुआ, अगर आप जलने वाली जगह पर रख दोगे, होता है ना जैसे कि लेंटल वगैरह डालने के लिए, स्लैब वगैरह डालने के लिए बल्ली वगैरह लकड़ी वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए है। और अगर आप उसको जल मतलब आग के पास रख दो, तो जो है वो जलने की संभावना होगी या वो हो सकता है जल के नष्ट हो जाए, तो उसमें जो है लकड़ी को आप दूर रखो। ऑयल या ऐसा कोई पेट्रोल डीजल इस टाइप से जलने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें दूर रखो, पेंट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आग से दूर रखनी चाहिए, ठीक है। इन्हें जो है सावधानी पूर्वक इकट्ठा करना चाहिए, तथा ऐसा भी कर देना चाहिए कि जो है जो भी आपके साइट पे जो भी वर्क चल रहा है उस वहाँ उसके आसपास जो है धूम्रपान वगैरह वर्जित कर देना चाहिए, जिससे कि जो है वहाँ पे आग वगैरह लगने की संभावना न रहे या संभावना न बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारी पदार्थ, भारी पदार्थ जो है भारी निर्माण पदार्थ, धरण कैचियाँ, मशीनें, क्रेन इत्यादि उचित स्थान पर स्टोर करना चाहिए, ताकि इसके इनके हस्तन के समय कोई दुर्घटना न होने पाए। जो भी आपका भारी मटेरियल है, तो उसे जो है जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चाहे वो धरन हुई, कैचियाँ हुई, स्लैब डालने वाली मशीनें हुई या कंक्रीट मिक्स करने वाली मशीनें हुई, ये सारी जो आपकी मशीनें हैं इनको उचित स्थान पे स्टोर करना चाहिए, न कि ऐसे वैसे जगह पे रख दो आप, जिससे कि आपको ही क्षति पहुँचे, आपके ही ऊपर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहे। ये था आपका निर्माण सामग्री का कार्य स्थल पर संग्रहण एवं हस्तन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका निर्माण स्थल पर श्रमिक व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट, ठीक है। निर्माण स्थल पर श्रमिक व्यवस्था, आइए इसको देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें जो है देख लीजिए, सिविल निर्माण कार्यों पर जो है श्रमिकों का व्यय लगभग कुल निर्माण लागत जो है 30-35% आ ही जाता है, तो इसमें जो है श्रमिकों के पूर्ण कार्य जो घंटे
कार्य घंटों तक काम नहीं लिया जाता है। इसमें इस तो यह व्यय जो है 50% तक बढ़ सकता है। हाँ, इसलिए ऐसी स्थिति में जो है ठेकेदार या अन्य श्रमिकों को भुगतान में चला जाता है, यानी अन्य लोगों को जो है इसके लाभ या हानि की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे निर्माण स्थल पर जो भी श्रमिक की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें जो है अगर आप उसको ध्यानपूर्वक नहीं करोगे तो उसका लाभ जो है कोई और उठा सकता है, उससे आपको हानि की संभावना बन सकती है। तो इसके लिए आइए देखते हैं, निम्नलिखित निर्माण स्थल पर जो है श्रमिकों की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें है आपका पहला टॉपिक है, श्रमिकों को अल्प सूचना पर उपलब्ध कराना चाहिए या श्रमिकों को अल्प सूचना पर उपलब्ध कराना कठिन पड़ता है। अतः क्या होता है, जो ठेकेदार होते हैं उनको जो है श्रम के मतलब लेबर शेड्यूल जो होता है उनको प्रतिदिन के लिए प्रति दे देनी चाहिए। जो भी आपके वर्क हैं, जो भी श्रमिक हैं, ठीक है, जो भी ठेकेदार वर्क करा रहा है उनको जो है सूचना उपलब्ध कराना कठिन पड़ता है। अल्प समय में जो है सूचना उपलब्ध कराना कठिन पड़ता है, तो उसके लिए जो है उन्हें श्रमिकों का निरीक्षण करके उन्हें आसानी से उसका अनुसूचन यानी शेड्यूल बना करके दे देनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, वह समय पर श्रमिकों की संख्या में कमी नहीं हो पाती है। ठीक है, वो श्रमिकों की संख्या को व्यवस्थित कर सकते हैं या कर सकें। अगला है आपका एक प्रभारी यानी एक कार्य करने के अधीन जो है इतने श्रमिक होने चाहिए जिन पर वह पूर्ण नियंत्रण रख सके और ठीक से काम ले सके। यानी जो भी आपका, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मैनेजमेंट हो, हाँ, चाहे इंजीनियर हो, जिसे भी वो आप कार्य की प्रभारी दें, जिसको भी आप उसको करने के लिए वर्क देते हैं, वो इतने अधिक श्रमिक होने चाहिए या फिर इतना उसके अंदर इतने श्रमिक होने चाहिए कि जिन पर जो है वो पूर्ण नियंत्रण रख सके, ठीक है, और उनसे जो है वो काम ठीक से ले सके, ठीक है, उनसे जो है काम करा सके, वो अपने अंडर में जो है उसको देख रेख कर सके और उनसे ठीक ढंग से काम करा सके। नेक्स्ट है आपका कार्य के प्रकार के अनुरूप ही कुशल हुए, अकुशल हुए, अर्धकुशल श्रमिक लगाने चाहिए। यानी जो भी आपका कार्य है, किस कार्य के लिए कुशल श्रमिक चाहिए, किस कार्य के लिए कुछ अकुशल श्रमिक है वो भी चले जाएंगे, किस कार्य के लिए कैसे श्रमिक होने चाहिए, ये देख करके ही कार्य को साइड पे लगाना चाहिए श्रमिकों को। ठीक है, जैसे कुछ काम हुआ आपका, मान लीजिए आपकी दीवार की जुड़ाई करनी है, उसके लिए एक अच्छे श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी जो कि ऑलरेडी वो कुशल हो उस कार्य को करने के लिए। हाँ, तो उसे ध्यान में रख के करना चाहिए कि वो कभी जुड़ाई किया हुआ है या नहीं किया। स्लैब ढालना है तो स्लैब के लिए वो कभी पहले किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब एक ईंट ढोने वाले को आप लगा दो कि आप या ईंट की जुड़ाई कर दो आप या स्लैब ढाल दो, तो वो चीज़ वो कुशल की तरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का श्रमिकों पर मतलब श्रमिक या मजदूरों या लेबरों का ध्यान देना चाहिए कि कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं और किस तरह से कराना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका श्रमिकों को आवश्यक औजार सामग्री मौके पर मिलनी चाहिए। जो भी आपके श्रमिक हैं, जिस भी कार्य के लिए जिस भी सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है उनको मौके पर देना चाहिए, ताकि जो है निर्माण सामग्री की प्रतीक्षा में जो है वो खाली ना बैठे रहें, उनका जो है समय व्यर्थ न जाए। दिन भर के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर दें। ठीक है, जिससे कि आपका मतलब आज का दिन की हमारी शेड्यूलिंग बन जानी चाहिए कि आज हमको इतना वर्क कराना है, ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास क्या मटेरियल्स हैं, क्या नहीं है, कितनी मशीनें हैं। ठीक है, ताकि जो है आपके श्रमिक जो है वो खाली न बैठे रहें, हाँ, आपका जो है समय व्यर्थ न जाए। ठीक है, अगला है आपका कार्य की मांग के अनुसार श्रमिकों की
संख्या बढ़ाते या घटाते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके साइट पे वर्क करना है, जितना आज का वर्क है उतना ही आप श्रमिकों की संख्या को बढ़ा लें, उतना ही आप श्रमिकों की संख्या को घटा लें। ठीक है, आपके कार्य की मांग के अनुसार जो है इसको घटाते बढ़ाते रहना चाहिए। जितना भी आज के आप जैसे आपका आज का शेड्यूल बना कि मेरे साइट पर आज वर्क बहुत ज़्यादा है तो मुझे श्रमिकों की संख्या बढ़ा लेनी चाहिए, आज मेरे साइट पर वर्क जो है कम है तो श्रमिकों की संख्या घटा लेनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि श्रमिकों के अभाव में कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर अगर कम वर्क ज़्यादा है, श्रमिक कम है तो कार्य रुक जाएगा। अगर श्रमिक ज़्यादा है, वर्क कम है तो वो खाली बैठे रहेंगे, तो आपको ऐसे चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कुछ श्रमिकों की स्थायी रूप से नियुक्तियाँ कार्य हित में होती हैं। कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जिनकी नियुक्तियाँ आप अगर परमानेंटली कर दो, जैसे कि मतलब उस साइट का जब तक कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट होने से फिनिश होने तक के लिए उनकी एक उनको मतलब एक फिक्स नियुक्ति कर दो कि नहीं आपको स्थायी रूप से उनकी नियुक्ति कर दी जाए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को जो है काफ़ी डीपली काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं और होना भी चाहिए। ठीक है, तो जो कुछ श्रमिक होते हैं उनको स्थायी रूप से नियुक्तियाँ कर देनी चाहिए, जो कि आपको इन कार्यों के लिए जो है श्रमिकों मतलब इन श्रमिकों को कार्य का प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो रहा आज का ये आपका टॉपिक कंस्ट्रक्शन साइट ऑर्गेनाइजेशन। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग मीट पे पूछ सकते हैं।